हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत होंगे। दोस्तों, आज मैं बेहद खुश भी हूँ और क्या बताऊँ आपको। आज मुझे दिल किया कि आज मैं ना सरसों का तेल लगाऊँ। सरसों का तेल लगाने गया तो वहाँ पर दो शीशे रखी हुई थी, एक भरी हुई थी, एक आधी से कम थी। तो मैंने सोचा कि भरी हुई लगाते हैं, नया तेल होगा। मैंने लगाया तो इतना मेरा सर बहुत ज़्यादा मुझे जलन महसूस हो रही है, क्योंकि वो कौरा तेल था यार। अब मुझे बोला ही नहीं जा रहा, बहुत ही ज़्यादा इतना जलन हो रहे हैं ना, पूछिए मत। अभी मैं आया तो मैंने जब ये माहौल देखा, मेरी जलन ही चली गई यार। ये देखिए बादल आ रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल हैं यार। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, बस अब दुआ करें कि ये बरस पड़े ताकि बारिश आ जाए और हमारे परिंदे भी रिलैक्स हो जाएं और हम भी रिलैक्स हो जाएं। बस अब दुआ किया करें कि जल्द से जल्द बारिश हो, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये देखिए मीमी वहाँ पर दाने खा रही है और इसने चारपाई का कैसा हाल कर दिया है। खरगोश भी हमारे वहाँ पर बैठी हुए हैं, वो देखिए हमारी जो मुर्गियाँ वो इसके अंदर है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ना मैंने बाइक नहीं चलाई, तो सोच रहा हूँ कि अभी बाइक चला लेता हूँ। क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं चलाई ना। आपको तो पता होगा ना, जब भी मैं बाइक चलाता हूँ तो आपको लाजमी बताता हूँ कि आज मैं बाइक चला रहा हूँ। तो अभी बाइक चलाते हैं। तो आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा ये काइट कहाँ से उड़ कर यहाँ गया था, इसे अभी तक मैंने उतारा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ना यही काम करते हैं, इसको ना उतारते हैं। उतारने के लिए ना हमें कैंची की या ब्लेड की जरूरत होगी, तो कैंची मेरे पास मुहैया भी लेकर आता हूँ। मुझे कैंची मिल नहीं रही थी तो मैं इसे चाबी से निकालने की कोशिश करता हूँ। इसे मैं निकाल लूँ ना, फिर आपसे मिलता हूँ। काटा तो है लेकिन ये उखड़ नहीं रहा है, वहाँ से ना बहुत बन चुका है। इसे अब कैंची का ही ये काम है, तो थोड़ी देर तक इसे मैं काटता हूँ। ये क्या रखा हुआ है यार, आपको दिखाऊँ? ये देखिए, ये दस्तान है, इसके अंदर रुई है। हाँ हाँ रुई है, पता नहीं ये किसने यहाँ पर रखा है, ऐसा बेवकूफ काम किया है, और कौन कर सकता है। तो आप ना बाइक चलाते हैं। उसका भी मैं थोड़ा सा चला कर आया, इतना मैंने नहीं चलाया है। ये देखिए अभी बाइक चालू है, फिर अब घर के अंदर लेकर चलते हैं। चलो भाई, कैसे चलाऊं, एक हाथ तो नहीं चली जाती। दोस्तों, भी मैं थोड़ी देर बाइक चला कर आया हूँ और मैंने बाइक वहाँ पर खड़ा दी है। मम्मी भी साथ में खड़ी हुई है और अभी मैं देख रहा हूँ बादल अभी तक गहरे हैं, लेकिन यहाँ तक हमारे घर के ऊपर तक पहुँच चुके हैं। बस मेरे ख्याल में थोड़ी देर में बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। अभी हवा भी बहुत ज़ोरों से चल रही है, आप इस पर्दे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा देखिए कितने सारे हवा है। मम्मी को शायद प्यास लगी हुई है, इसे पानी भी देते हैं। रुको एक मिनट, देखिए देखा, डरती है पानी से। रुको, ये गंदा था, साफ पानी देते हैं मम्मी को। साफ पानी पिए, नहीं तो ये गंदा पानी पिएगी ना, ये इसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। उससे क्या पता ये साफ पानी या गंदा, ये नहीं छोड़ती। अभी दोबारा देखिए दाने खाने के लिए चलेगी, वो खड़ी हुई है। और जो हमारे जो रैबिट्स हैं ना, वो भी उसके साथ मिले हुए हैं, वो दोनों के दोनों खा रहे हैं। मैंने यहाँ पर मम्मी का पानी ढक दिया है और मम्मी ये बैठी हुई है। मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी ये देखिए आ गई, इसे पता लग जाता है। चलो चलो, ये था पानी, देखिए कैसे जाती है। इशारा किया आपके भाई ने, इशारा किया मम्मी को, कैसे चलेगी। टावर है भाई, टावर है आपके भाई की। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।